नाज़रीन, पंजाब हुकूमत की महकमों, कमिश्नर्स और डीसीज के अख्तियारात में मजीद इजाफे की मंजूरी। असलहा लाइसेंस के बाद तरक्याती स्कीम्स की मद में कमिश्नर्स और डीसीज के अख्तियारात में इजाफा। काबीना कमेटी बराए खजाना की पंजाब डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स 2016 में तब्दीली की मंजूरी। तकरीबन 23 साल बाद डीसीज की स्कीम्स की मंजूरी की रकम 5 से 10 बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी गई है। इसी पर बात करेंगे, इमरान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। देखिए, पंजाब हुकूमत का ये बड़ा फैसला सामने आया है जिसमें कमिश्नर्स और डीसी के अख्तियारात में मजीद इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। पंजाब भर के 9 डिवीजनल कमिश्नर और 36 डिप्टी कमिश्नर के अख्तियारात जो है उनमें तस्वीर कर दी गई है। तरक्याती स्कीमों के बाद में कमिश्नर और डीसी के अख्तियारात बढ़ाए गए हैं, जबकि काबीना कमेटी बराए खजाना ने पंजाब डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स 2016 में तब्दीली की मंजूरी दी है। 23 साल बाद डीसी की स्कीमों की मंजूरी की रकम को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। इसी तरह डिविजनल कमिश्नर्स के स्कीम मंजूरी की रकम को 20 करोड़ से बढ़ाकर 40 करोड़ कर दिया गया है। महकमों को तरक्याती स्कीमों की मंजूरी की रकम को 40 करोड़ से बढ़ाकर 80 करोड़ के अख्तियारात दे दिए गए हैं। दस्तावेजात के मुताबिक पंजाब हुकूमत का सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी की फाइनेंशियल ब्रैकेट को भी बढ़ाकर 10 से बढ़ाकर 20। बहुत शुक्रिया इमरान मलिक, आप हमें आगाह कर रहे थे।